भेड़िये के बारे में कहा जाता है कि वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी हमेशा झुंड में रहता है। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वो झुंड 2 का हो या फिर 30 का। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि शेर जैसे खूंखार जानवर भी भेड़िये का शिकार करने से बचते हैं। माना जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया अपने झुंड का सरदार यानी पिता है, बाकी उसकी साथी और बच्चे थे जिनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं। भेड़ियों के स्वभाव के मुताबिक अगर झुंड में से कोई एक बिछड़ जाए तो ये और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और डर और दहशत के इस पूरे माहौल में सूरज ढलने के बाद बहराइच के इन गांवों में कैसी दहशत होती है ये देखने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। बहराइच के किसी भी गांव में चले जाइए, आदमखोर भेड़िए की दहशत कुछ इस तरह की है कि पूरा गांव सहमा है और उसका नजारा हम यहां देख रहे हैं। इस गांव में कौन सा गांव है ये बताएंगे? पूरे प्रशासन जी। ये मैं देख रहा हूं पूरी भीड़ आपके साथ चल रही है, सभी के हाथों में लाठी डंडे है। भेड़िए की दहशत है? जी भेड़िए की दहशत है। इन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ आप देख लीजिए, जिस तरफ भी देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बच्चे हैं उनको सभी को घर के अंदर रहने की बात आप लोग समझा रहे हैं, टॉर्च दिखा करके लोगों को समझा रहे हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। अंदर रहो, अंदर घर में, बंद कमरे में। जिनके दरवाजे खुले हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है। इसको लगा लो। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, मानो हर कोई बस इस इंतजार में है कि सुबह जब सूरज निकले तो भेड़िया पकड़े जाने की खबर आए। भेड़िया मौके का इंतजार करता है। रात होते ही वो घर के पास आकर छिपकर बैठ जाता है और जब बच्चे माँ बाप की नजर से दूर होते हैं तो वो उन्हें दबोच लेता है। चारों तो देखिए खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, धान के खेत हैं और इन्हीं के बीच में भेड़िये को आसान शरण मिलती है। वो दिखाई नहीं देता है और छुप करके बैठ गया और जैसे ही इसने मौका देखा, क्योंकि भेड़िया रात में शिकार करता है, रात में निकल के आ गया और उसने अपना निवाला बच्चों को बना लिया। जी क्योंकि वो थोड़ा छुप के चलता है, बहुत आवाज़ करके आता नहीं है, इसलिए लोगों को नहीं जानकारी हो पाती है, तो ऐसे में वो घटना को अंजाम दे देता है। बहराइच के इन गांव में भेड़िया अटैक क्यों कर रहा है और कैसे घर के भीतर घुसकर बच्चों को दबोच लेता है, उसे समझने के लिए अगली तस्वीर देखिए। ये उस महिला का घर है जिस पर भेड़िये ने अटैक किया था। दादा कैसी तबीयत है माता जी की? ठीक है। कि यहीं पर जो माता जी हैं यहीं सोई थी और यहीं वारदात करके भेड़िया गया है, हालत उनकी बेहद ख़राब है इस वक्त आप देख सकते हैं। बाबा कैसी तबीयत है इनकी? कुछ ठीक है। अच्छा कहाँ इनको भेड़िया ने काटा? देखा जाए, कहाँ देखा? अच्छा देख लीन जाए, डर कौन है। दरअसल घर में कोई दरवाजा नहीं है, बेहद गरीब परिवार है और भेड़िया गाँव में ऐसे ही घरों को निशाना बना रहा है जहाँ दरवाजे नहीं होते। लेकिन भेड़िये तो नरभक्षी नहीं होते, भेड़िये तो इंसान से डरते हैं, फिर इंसानी बस्ती में क्यों घुस रहे हैं? इन भेड़ियों के आदमखोर होने की वजह क्या है? देखिए आदमखोर बेसिकली इनका जो बाढ़ से पानी आ गया है, मांद में पानी चला गया है, उनका जो हैबिटेट था वो शिफ्ट हो गया है, वो शिफ्ट होने की वजह से शिकार ना मिलने की वजह से ये गाँव की तरफ से इजी किल कर रहे हैं। इन भेड़ियों के मुंह में इंसानों का खून लग चुका है जिसकी वजह से ये बार बार गांव में अटैक कर रहे हैं। भेड़िये की गिरफ्त से बच पाना मुश्किल होता है क्योंकि 42 दांत वाले भेड़िये का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि अपने शिकार की हड्डी तक चबा जाने की ताकत रखता है। भेड़ियों की सूंघने की क्षमता किसी जासूसी कुत्ते से ज्यादा तेज होती है, वो अपने शिकार को 1.5 किलोमीटर दूर से सूंघ लेते हैं।
की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है भेड़िया, जिसे एक दिन में 1.5 किलो से 2.25 किलो मांस खाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन कई बार भेड़िया एक दिन में ही 4.5 किलो तक मांस खा जाता है। जब जंगल में शिकार करना मुश्किल हुआ तो ये इंसानी बस्ती की तरफ आ गए। लेकिन अब इंसानों को खूनी भेड़ियों से बचाने के लिए पूरा प्रशासन एक्टिव हो चुका है। यदि घर के बाहर कोई सोता हुआ पाया जाएगा तो ग्राम पंचायत द्वारा अर्थदंड स्वरूप 500 रुपए